पागल हो गए तो गए तो हाँ सारी पब्लिक बाहर यहाँ आए तो यहाँ सारी पब्लिक बाहर के खाना ना बनाती है। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 6:15 हो चुके हैं और पहला हमारे साथ निकली है घूमने के लिए। अभी इसको लेकर जाएंगे पार्क शार घुमाएंगे, थोड़ा मस्ती वस्ती कराएंगे, क्योंकि आउटिंग ना हमारी नींद की भी जरूरी है। अगर आपने इनको घर में रखा हुआ है तो ये नहीं सिर्फ घर पर ही रखें, इनको बाहर घुमाना फिराना जरूरी है। इसमें मैं या अंश कोई ना कोई ले ही जाता है, पार्क वार्क ले जाते हैं इसको सुबह शाम, पापा भी ले जाते हैं, लेकिन आज सोचा मैं लेके चलता हूँ इसको। बहुत मजा आ रहा है गाड़ी में घूमने में, खासकर जब विंडो खोल के बाहर देखती है ना, इसे हवा लगती है, बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा विंडो भी खोली है, शायद आवाज में आपको आ रहा हो। मैं अगर 10 राउंड भी लूंगा, ये मेरे पीछे पीछे ऐसी 10 राउंड लेती रहेगी, साथ चलती रहती है, समझदार है हमारी बेला। वैसे मैं 1 घंटे से ऊपर वॉक कर लेता हूँ, लेकिन आज ये साथ है तो मैं 30 मिनट से करूँगा। इसे देखकर लग रहा है मुझे ये थक गई है बेला, थक गई है, और पूरे व्हाइट शूज मेरे आगे से गंदे हो गए है बेला, थक गई। अब इसे देख कर लग तो रहा है थक गई, जीभ निकल रही है, आराम से बैठ गई है। बेला बेला आ जा, बेला तो नीचे ही रह गई, बेला आई नहीं, आपने धक्का नहीं किया, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ पार्क चलते, आपको पार्क घुमा लाता मैं। नहीं, मैं शाम को योगा करने जाऊंगी और शाम को मेरी इंग्लिश क्लास है। शाम को इंग्लिश क्लास है और योगा करने जाओगे? मैं शाम की नहीं कह रहा, मैं अभी घुमा के लाता आपको पार्क। तेरा भी तो हम है नहीं। अभी आप सो रहे थे जब मैं गया हूँ। मैं 9 बजे उठ गया। हाँ, आप 9 बजे उठ गए थे, मैं 5:30 बजे ही चला गया था। इसकी मम्मी और मैं चले जाएंगे, ठीक है, आप मत जाना। मम्मी जाएगी तो जरूर जाएगी। मैं भी, हाँ मेरी मम्मी आपकी मम्मी, हम घूमने जाएंगे, ठीक है, है ना, डन। इसे तो अभी जाना है, इसे तो अभी जाना, नहाना। चलिए जी, मैं रेडी हो गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट किया अपना, फिर उसके बाद रेडी हो गया मैं, क्या सभी हो गए ऑलमोस्ट, अभी सबसे मिलवाते हैं। और विहान देखो, विहान भी रेडी हो गया है, बस अब ये वाले शूज पहनेगा। पहन लो जल्दी, मम्मा से पहन लो। अच्छे लग रहे हो आप भी, रेडी पक्का? चलो, अरे सभी रेडी हो गए, मैं ही लेट हो गया लगता है, चलो फिर चलो। कितना खुश हो रही है। आप आगे बैठ हो गए, आप पीछे बैठ जाओ। नहीं क्या, नहीं, नानी आगे बैठेगी आपकी। चलो मेरा चलो, आओ जी आराम से। ओए गाड़ी हिल गई पूरी। बाय पापा, बाय बाय, बोल सच्चे दरबार की जय। वैसे तो हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कहीं भी जाए और मम्मी बैठेगी तो जयकारे तो लगने ही है। मम्मी डरती है ना मेरे साथ, इसलिए ये रीजन है मम्मी। फिर अब देखना, थोड़ी देर में कहती रहेगी आराम से चला, धीरे चला, देख 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 देख। ऐसे ना, मैं हफ्ते में 2-3 बार मंदिर चला ही जाता हूँ, मम्मी बोलती है यार हमें भी लेके चल लिया कर, लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ मम्मी सोती रहती है, मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ, तो मैंने कहा इस बार मैं शाम का प्रोग्राम बनाऊंगा, शाम को लेकर चलूंगा। कहाँ जाना है, इसे आगे पीपी करनी है, बच्चों का ये बड़ा चक्कर रहता है, आगे पीछे गाड़ी में उड़दम मचा देता है। लेफ्ट में देख रहे हो ये चर्च है, वो चर्च है, और ये राइट में देखोगे ये वो है बंगला साहिब। हाथ जोड़ो व्यान, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए व्यान देखो आपके भाई, आओ आपके भाई दिखाऊं, देखो आपके कितने सारे भाई है, आ जाओ। और हम आए हनुमान प्राचीन मंदिर जो कि सीपी में है, और भाई साहब सब बंदरों ने वही टेक्निक अजमा ली, ये भी वही करते हैं, चश्मा हाथ में से कुछ छीनते हैं, फिर इनको केला वेला दो जब ये छोड़ते हैं। हाँ जी, जो ठीक लगे आपको वो ले लो। चलो जी, प्रसाद और फूल ले लिए, माला, चलो जय श्री राम। आप देखो कितना खाली, और लास्ट टाइम आया था मैं बाहर लंबी भीड़ थी, सुबह के टाइम वैसे ज्यादा लोग रहते भी हैं। चलिए कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, क्योंकि दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। अब पीछे इधर देखेंगे तो मम्मी मम्मी की शॉपिंग चल रही है, थोड़ी बात घर के लिए मूर्ति या कुछ ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से कहीं और चलेंगे ना। आ जा, भाई का फैशन देखो, कलर वलर, एक ही कलर की पैंट शर्ट, एक बार ऊपर से नीचे तक देखो,
जूतों का कलर, पैंट का कलर, शर्ट का कलर और चश्मे वश्मे लगा के फुल मेरी तरह स्टाइल में है, तो जैसे मैं पहनता हूँ ना मैचिंग मैचिंग। हनुमान मंदिर और कचौड़ी नहीं खाई तो क्या फ़ायदा? वैसे मेरे ख्याल से हर हनुमान मंदिर के बाहर कचौड़ी मिलती है, मैंने ये देखा है यहाँ। इसीलिए मैं यही खा रही हूं, मुझे कचौड़ी हनुमान मंदिर की। यहाँ पर मरघट वाले बाबा, मैंने दिल्ली से बाहर भी कहीं भी देखा हनुमान मंदिर के बाहर कचौड़ी पक्का रहती है। गलत कह रहा हूँ, सही कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल हम खा लेते हैं। चलो, बलि भगवान की जय, महादेव जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन अच्छे से हो गए, मैंने सोचा इधर आए तो मम्मी को घुमा भी देते हैं। अभी सीपी ले चलेंगे, अगर अच्छा लगा तो उतर कर घूमेंगे, नहीं तो फिर इंडिया गेट ले चलेंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे, क्योंकि इसने तो कचौरी ज्यादा खाई नहीं। आइसक्रीम तो खाओगे? सीपी स्टार्ट हो गया है, ये आउटर सर्कल है। मैं आज का गाइड हूँ आपका, आज आपको मैं सीपी, इंडिया गेट सब घुमाऊंगा। कमाल की बात ये है कि हमारी मम्मी, मतलब कितने टाइम से दिल्ली में है, दिल्ली ठीक से नहीं घूमी, आती ही नहीं है। कितना कह लो, लोग सोचते हैं मैं लेकर नहीं जा रहा है, मेरे साथ नहीं, कितना बोल लो जाओ तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। अब भी बस आई गई, नहीं तो आती नहीं है। मंदिर के उससे आ गई, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, झंडे वाली जा रहे हैं, मंदिर के लालच से आ गए। चलो भाई, अब तुम जहाँ घूमोगे वहाँ तो मैं भी घूमूंगी। लो जी, मम्मी ने कार कार में इसी पे घूम लिया, कह रही मैं नहीं उतर रही, कौन चलेगा इतने गर्मी में, बच्चे परेशान ही होंगे। मेरे राइट में देखोगे इंडिया गेट तो आ गया, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है और ट्रैफिक के साथ साथ मतलब यहाँ पे पार्किंग मिल ही नहीं रही है। तुम जाओ, मैं पार्किंग ढूंढ के फोन कर लूंगा। A few inches later, भाई साहब बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, ये समझ लो 40 मिनट के बाद पार्किंग मिली है। इतना ज्यादा क्राउड है, इतनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन मैंने कहा सोच चल आया हूँ तो इधर थोड़ा घुमा ही दूँ और अभी इधर थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे। भाई साहब भीड़ देख रहे हो कितनी है, मतलब मेरे को लग रहा है पूरा दिल्ली यही है, ऐसे भीड़ है। वैसे बाहर से भी लोग घूमने आते हैं ना दिल्ली से, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। और ये गोल्डन मैन, मम्मी को फोन करता हूँ किधर है, और वो बोर हो गए होंगे इतने में, इतना मुझे पक्का पता है। इंडिया गेट हमारा लगता सुंदर है जी। घूम लिए कैसा लगा? भीड़ में कुछ जगह ही नहीं मिल रही, नहीं बैठने की, न खेलने की, इतनी भीड़, इतनी। ये तो खेल रहा है, देखो मैंने ये लिया। मतलब शॉपिंग भी हो गई है तुम सबकी, आइसक्रीम खाएंगे है ना। भीड़ देख रहे हो, ये बस इसलिए इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। अमायरा डुबकी लगा लो, अरे डुबकी लगा लो, देखो साबुन इसमें पहले से ही मिक्स है। आओ अभियान, चलो यार बहुत क्राउड है, क्राउड है, चलो। डिनर के लिए आए हैं सरवन भवन, और यहाँ भीड़ देखो कितनी है, को लग रहा 30 से 40 मिनट में तो नंबर ही आएगा। A few inches later, अभी टाइम देखोगे ना 9:45 हो रहे हैं और नेट 8:45 पे हम गेट पे थे, मतलब एक घंटे में लगा लो सिर्फ हमारा नंबर आया है, उसके बाद ऑर्डर लिया है, और ऑर्डर लेने के बाद सिर्फ ये आया अभी, मतलब हमारा एक भी दोस्त आया। मम्मी हैरान है कि फ्री में देते हैं क्या है भाई, इतनी भीड़ है, तुम लोग पागल हो किस तरह घूमते हो करते हो। मतलब ये मान लो 40 मिनट मुझे पार्किंग में लगे जो वेस्ट हुए, उसके बाद एक घंटा भी हो गया है और अभी ऑर्डर आने में और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सारी दुनिया पागल हो गई है, सारी सारी पब्लिक बाहर आजकल की लेडीज ऐसी है भाई, बाहर खाना है और कुछ नहीं खाना तो हफ्ते में एक बार तो खाना है। मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली में मैं ही जाता हूँ और इनसे कितना बोल लो ये नहीं जाते। अभी आज आ गए ना, पक्का ये एक साल तक नहीं जाने वाले, हालांकि हम कल जा रहे हैं, वो तो दिल्ली से बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, हमारा प्लान बन गया, चलेंगे ना पक्का, कल हम जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम ये खा लेते हैं और ऑर्डर आएगा पता नहीं कितने देर में, वो खाकर फिर निकलेंगे। और हम इधर बातें कर रहे हैं और ये देखो जल्दी जल्दी फिनिश, और इसकी तो भाई इंस्टाग्राम स्टोरी खत्म नहीं हो रही है। तो व्यायाम के लिए आ गए, डोसा ये पूरा व्यायाम खा गया ना व्यायाम, और ये देखो एक डोसे में ही सब खा रहे हैं, मतलब इतना टाइम लगा रहे हैं, और दूसरा डोसा अब आया है। हम तो फिनिश कर रहे हैं और अमायरा का अब आया है, अब हम अमायरा को छोड़ के चले जाएंगे, मम्मा को मैं लेके जाऊंगा। भाई सबर का फल यहाँ तो मीठा कह लो, साउथ इंडियन कह लो, मतलब सर्विस इतनी पुअर कह लो या स्लो कह लो या भीड़ ज़्यादा थी इस वजह से, और यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन खाना मुझे अच्छा लगा, सर्विस जैसी भी थी, खाना कैसा लगा? अच्छा, नहीं मम्मी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कह रही घर चल, खाना नहीं वेटिंग जो थी घर चल तू कितना। और इसको देखो ये कंधे पर रख के बंदूक चला रही है,
मम्मी से, क्या मम्मी को दूध पीना है, है? दूध पीना है मतलब... क्लियर बोलो, मुझे दूध पीना है। चार दूध की बोतल लाना भैया, अब आए लेना है, आप भी लोगे, पांच ला देना भैया। चेस भाई, सबसे टेस्टी सबको ये लगी है, खाने से भी टेस्टी, ना ठंडा ना मजा आ जाता, कलेजे में ठंडक पहुंच जाती है। दो कुल्फी फलूदा भी कर दो। नहीं, इसमें खा लो आप खा लो, आपके लिए मंगाया है। बैक टू होम, और टाइम ना आज बहुत ज्यादा हो गया, और सुबह में जल्दी भी उठना है, जल्दी उठ जाना, क्योंकि हमने कल का भी प्लान बना लिया, तो सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे। फिलहाल मम्मी ईमानदारी से बताना कैसा लगा। तो चला करो हर बार चल लिया करो यार, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगा, हमारा अच्छा लगा ना। कल चलना है फिर, कल तो मतलब जा ही रहे हैं, मतलब आने के बाद फिर चलना है दोबारा ऐसे घूमने, कहीं और चलेंगे फिर, टेम्पलिंग पार्क या ऐसी जगह लेके जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, व्यान को भी अच्छा है ना, व्यान ये तो अपनी मस्ती में है। फिलहाल हम सोएंगे क्योंकि सुबह ड्राइव करनी है मुझे बहुत लंबी, मतलब आज तो फिर भी छोटी सिटी में थी, कल लंबी और स्कॉर्पियन में जाने वाले। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते नहीं वीडियो में कुछ नया लेकर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, मिलते नहीं वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।